अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो कैसे हो? तो गाइस जैसे तुम लोग देख सकते हो, पूरे माइनक्राफ्ट के अंदर स्नो पड़ गई है और यहाँ पे पूरे जो ग्लेशियर्स हैं, जो पानी जो है नीचे का, वो भी जम चुका है। तो गाइस ऐसे में हमें एक सर्वाइवल हाउस बनाना है स्नो के अंदर, ताकि हम लोग आराम से सर्वाइव कर पाए। तो अपन लोग क्या करते हैं गाइस, कुछ इस जगह से बनाएंगे थोड़ा सा ना, यहाँ पे दो ब्लॉक्स यहाँ लगा देते हैं कुछ यूं करके, और बल्कि नहीं, थोड़ा सा गैप से लगाते हैं गाइस, थोड़ा सा बड़ा हाउस होगा, थोड़ा छोटा तो नहीं, अच्छा खासा हम बड़ा बनाएंगे कुछ यूं करके, दो यहाँ पे लगा लेते हैं और अपन लोग बाकी एक दो तीन यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही इधर है तो तीन हमें लगाने की ज़रूरत है। और सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा गाइस पीछे होगा, तो मैं काम करता हूँ उसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ कुछ यूँ, लेकिन मैं देख लूँ ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। हाँ कुछ यूँ कर लेते, एक दो तीन कुछ ऐसे करके, और इन सबको ना गाइस अपन लोग पूरा इसको एक एक फिट कर देते हैं, एक लेयर्स के स्ट्रक्चर बना देते हैं। और जो बीच में जो मैं लगाऊंगा ना, वो व्हाइट कंक्रीट लगाऊंगा, क्योंकि स्नो के अंदर हाउस है तो थोड़ा व्हाइट व्हाइट होना चाहिए यार, व्हाइट होगा तो ही लोग इसका बढ़िया आएगा। और तकरीबन हम गाइस इस पर ज़्यादा गिलास बहुत लगाएंगे इसके अंदर, ताकि क्योंकि तुम लोग देख रहे हो व्यू जो है ना, ये अंदर भी एक ऐसा और धासु किस्म का व्यू आए तो मज़ा आएगा यार, तो ही मज़ा है, वरना मज़ा नहीं। और ये कुछ यूँ करके अपन लोगों ने इसको बना दिया है, और अब अपन लोग यहाँ पे ना फ्लोरिंग बना देते हैं गाइस के व्हाइट कंक्रीट से। आई डोंट नो कैसी लगेगी, लेकिन ये तो बना के ही पता चलेगा यार कि अच्छी लग रही है या नहीं। वैसे मुझे तो फिलहाल एकदम बढ़िया लग रही है। बाप रे, ऊपर भी ना गाइस यही लगा लेते हैं, स्पेस ब्लैंक जो भी, एक दो तीन चार और बल्कि पाँच कर लेते हैं गाइस। हाँ और कुछ यहाँ से इसको कर देंगे गाइस अपन लोग बंद, लेकिन ना यहाँ पे मैं थोड़ा एक डिज़ाइन देना चाह रहा हूँ गाइस कुछ यूँ करके, और साइड में आ जाएगी गाइस एक बड़ी सी विंडो कुछ ऐसे, और यहाँ पर आएगी गाइस इस पूरी दीवार पे ना विंडो, तो इस दीवार को गाइस अपन लोग वो बना देंगे यार, विंडो वॉल जो होती है कुछ यूँ, एक दो तीन, और इसको भी अपन लोग यूँ। आप एक ना विंडो का ना गाइस एक फ्रेम टाइप आ गया कुछ, ये देखो ऐसे करके, तो यहाँ पे बीच में एक विंडो आ जाएगी बड़ी टाइट किस्म की। और अगर हम पीछे से देखें तो गाइस ये होगी हमारी बेड वॉल, जो होगी पाँच जितनी, एक दो तीन चार और ये पाँच, और तीन जो होंगे कॉर्नर के ये होंगे थोड़े बड़े कुछ यूँ करके, और अपन लोग फिर इसको यहाँ से यू करके मैच करते हैं गाइस। तुम लोग देख रहे हो जैसे हम लोगों ने ऐसे कट्स दिए हैं इसके अंदर, तो ये कट्स गाइस ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं यार, जो इस टाइप के जो तो कट्स होते हैं ना, ये एक मतलब चार चांद लगा देते हैं आपके उस पर घर पे, तो ये और भी ज़्यादा मस्त लगते हैं कुछ यूँ करके गाइस। ये देखो चेक करो, बाप रे क्या लग रहे हैं यार। और अपन लोग करते हैं गाइस इतना, और जो ये वाला जो एरिया होगा गाइस इसको अपन लोग कर देंगे ऊपर थोड़ा सा, दो ये तीन ये, और अब यहाँ से इसको पूरा बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा गाइस ये मतलब एक डबल हाइट एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इस एरिया पे कुछ ऐसा कस्टमाइज़ करूँ कि ये डबल रूम बन जाए, ये डबल रूम हाउस हो कुछ ऐसा, मतलब सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है कि बन पाता है या नहीं। और यहाँ पर अगर एक बालकनी भी आ जाए तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। चलो ट्राई करते हैं गाइस, और कुछ यूँ ऐसे, और तो यार ये फ्रंट का तो हमने कुछ इस टाइप का बना दिया, अभी तुम लोग को देखने में थोड़ा बुरा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बाद में गारंटी में बता रहा हूँ कि तुम लोग को बड़ा टाइट लगेगा ये। अब इन सब पे ना गिलास लगाते हैं, ताकि तुम लोग को एक इसकी लुक समझ आए कि मैं तुम लोग को बेसिकली कहना क्या चाह रहा था, ताकि वरना तुम लोग गिलास नहीं लगेगा ना, तब तक तुम लोग को समझ नहीं आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब हम लोग सिंगल डबल हर एक जगह पे हर तरीके के गिलास लगाएंगे, किसी पे सिंगल लगा देंगे और किसी पे डबल लगा देंगे, ताकि ये कंट्रास्ट मैच हो। अगर कोई पतली विंडो होगी जैसे ये वाली, तो यहाँ पर गाइस अपन लोग लगा देंगे सिंगल गिलास, क्योंकि यहाँ पर सिंगल गिलास ही सूट करता है कुछ ऐसे करके। तो ये देखो क्या लग रहा है ओपी यार, और यहाँ पे भी सिंगल और डबल दोनों लगाएंगे इस तरफ, क्योंकि ये थोड़ी इस टाइप की विंडो है, एक दो तीन, और ये हो गया चार, और ये होगा गाइस इस घर का टेरेस। तो हम लोग इधर पे ही गिलास लगा लेते हैं कुछ यू करके, और गाइस टेरेस के लिए अपन लोग पूरा वाइट कंक्रीट यहाँ लगा लेते हैं। अरे लग जा, हाँ ये ऐसे। तो गाइस जैसे मैं बता रहा था डबल टाइप का होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेरेस, छोटा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन दिखने में गाइस एकदम मस्त लगेगा। और अगर हम इसके कॉर्नर पे देखें, तो हम कॉर्नर पे इसको इससे कवर कर देंगे। ये क्या चीज़ है यार, क्या नाम, इसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा, क्या नाम है इसका यार, जो भी यार वुडन प्लैंक्स जो भी यार, इससे कवर कर देंगे ऐसे करके। और सेम यहाँ पे भी अपन लोग कंक्रीट लगा देते हैं कुछ, तो इस टाइप का गाइस ये हो गया इधर का फ्रंट टेरेस। और यहाँ पे भी एक डोर लगा देंगे, और यहाँ पे भी बैक साइड पे भी ना एक रूम बनेगा गाइस, लेकिन ये रूम होगा थोड़ा छोटा, और नीचे भी एक रूम होगा, और यहाँ से ना स्टेयर्स जाएंगी गाइस ऊपर की तरफ। मैं बताता हूँ ऐसे, एक हो गया, और बल्कि थोड़ा पीछे से करते हैं गाइस। अब बनेगी गाइस एकदम स्टेयर्स, अब मैं देख लूँ भाई स्टेयर, अरे बाप रे भाई क्या हो रहा है, स्टेयर से बस मैं ऊपर जा सकूँ गाइस, ऐसी बनानी है कि हमें ऊपर जाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि
क्योंकि ये मुझे लगा कि ये लगेगा लेकिन लगा नहीं, चलो अच्छी बात है। और कुछ यूं करके तो ऐसे तो ये बन गया है। और एक लाश, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे यार, ये क्या हो रहा है भाई? अरे यार शिट। हाँ ये अब हुआ ना मज़ा। तो ये होगा गाइस इसका फाइनल स्टेप और ये हो गया डन। तो अपन लोगों का बैक साइड का भी एरिया गाइस हमें बनाना है कुछ ऐसे ही करके, इसको भी ज़्यादातर ओपन में ही रखना है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ऐसे यहाँ से यूं, और ठीक है इसको मैं यहाँ से बंद नहीं करूँगा, मतलब यहाँ से क्लोज नहीं करूँगा। ये होगी पूरी गाइस, मतलब जो होगी पीछे की जगह ये पूरी गाइस थोड़ी मतलब गिलास में होगी तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं, इसको कुछ यूं कर देते हैं गाइस। ये देखो चेक करो क्या लुक आ रही है यार। और ठीक यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही, यहाँ से भी गाइस थोड़ा आगे कर देते हैं तो वो एक धमाल किस्म की लुक आ गया। अरे बाप रे पीछे। हाँ ये ऐसे करके गाइस, ये चेक करो ग्रैंड एंट्रेंस लग रही है यार, क्या लग रहा है यार। और इस पूरे पे गिलास लगा लेते हैं, और उससे पहले अपन लोग कंक्रीट लगा लेते हैं इधर यहाँ पे ताकि इसकी एक बेस बन जाए, और फिर गिलास लगा लेंगे ताकि ये दो पोर्शन डिवाइड हो जाए, नीचे वाला पोर्शन अलग और ऊपर वाला पोर्शन अलग डिवाइड हो जाए। फिर नीचे भी हम लोग एक रूम बना देंगे और ऊपर भी एक रूम बना देंगे, तो ये एक मतलब जो हट टाइप होते हैं ना यार, वैसे स्नो में तो कोई हट होता नहीं है लेकिन मतलब तुम लोग समझ जाओ, मतलब स्नो एक यार आपका वीकेंड हाउस बन गया यार स्नो में, अगर आप बर्फ़ के एरिया में रहते हो कोई कैनेडा वनेडा में या कहीं पर भी रहते हो तो वहाँ पर। और यहाँ पर आप पूरे पे गिलास लगाएंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग टाइप का गिलास होगा, डबल और सिंगल दोनों मिक्स करके लगेगा। हो जाते हैं, काम करते हैं ऊपर से लगाते हैं ये, और अरे लास्ट लग जा। हाँ ये तो गैस ये कुछ इस टाइप से लग रहा है यार, क्या धमाल लुक आ रही है। और यहाँ से अरे नहीं यार शिट, बाप रे यार मैंने एंट्रेंस तो बनाया नहीं यार इसकी, अरे यार एक गलती कर दी गैस, लेकिन कोई बात नहीं अपन लोग बनाते हैं एंट्रेंस। और एंट्रेंस होगी गैस यहाँ पर, गैस एंट्रेंस के साथ ही ना गैस गिलास होगा तो ये और भी ज़्यादा बढ़िया लुक आएगी। अच्छा एंट्रेंस के लिए गैस अपन लोग को कुछ ऐसे करके ले लेनी है, और यहाँ पर अरे बाप रे तो अंदर घुस गई। यहाँ पर हम लोग आ लेंगे एक स्टेयर्स, और उसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, और यहाँ पर आ गई अपनी दूसरी स्टेयर्स। तो एंट्रेंस तो गाइस कुछ इस टाइप की हो गई, लेकिन अगर मैं इसको नीचे से थोड़ा कवर भी कर लूँ क्योंकि थोड़ा सा ना बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये अब देखो गाइस अब ना एकदम परफेक्ट और वो बुरा नहीं लग रहा, पहले एक था थोड़ा बुरा बुरा सा लग रहा था, लेकिन नहीं यार इसको खोल देना ही बेहतर है क्योंकि वो एक लुक आ रही है ना कि पिलर्स के ऊपर ख़राब है हाउस, तो वो मैं नहीं चाह रहा कि वो लुक ख़राब हो। तो अपन लोग इसको खोल देते हैं, नीचे से भी इसको हटा देते हैं ताकि एक अच्छी फील है यार कुछ यूँ करके गाइस। अरे बाप रे आगे तो जा। ऐसे यार अब तो हमने कुछ इस टाइप का बना दिया, अपन लोग थोड़ा सा इसकी ना गाइस फीलिंग विलिंग रहती है कि ऊपर से जो है ये, तो इसको भी हम लोग गाइस वुडन से ही हम लोग इसको बंद कर देते हैं कुछ यूँ करके। और यहाँ पर अगर गाइस, बल्कि नहीं इसको पूरा कर देते हैं गाइस। वैसे मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़े कट्स वट्स देता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार इसको पूरा करना ही बेस्ट रहेगा कुछ ऐसे करके, ये पूरा ऐसे। और अब हम लोग करते गाइस अपना इंटीरियर डिज़ाइन। और तो अरे बाप रे अंदर, अरे यार अंदर कैसे घुसेगा, एक मिनट रुको। हाँ आराम से आ गया। तो यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन से पहले गाइस सबसे पहले हमारा आएगा डोर, कुछ यूँ करके एक डबल डोर गेट आएगा। और ये नीचे का एरिया, यहाँ पे भी मैं एक बेड लगाऊँ यार, क्या लगाऊँ पहले ऊपर जाके देखते हैं यार। ऊपर पहले लैंप वैम्प लगा लेते हैं यार कुछ यहाँ पर, ताकि अभी रात भी हो रही है तो मौफ अपना है। अरे बाप रे नीचे तो खुश, और थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लेते हैं। अब काम करते हैं गैस ऊपर से स्टार्ट। तो गैस सबसे पहले ऊपर हम लगाएंगे बेड, एक दो, और दो बेड लगाएंगे गैस सही है। और यहाँ पर होंगे इसके कुछ ये ऐसे करके, बल्कि नहीं ये ऐसे नहीं, इसको हम कैसे बनाएं यार, थोड़ा सा मैं डिज़ाइनिंग सोच रहा हूँ, चाह रहा हूँ किस टाइप की। अच्छा एक बुक शेल्फ भी ले लेता हूँ गाइस, शेल्फ आ गया, ये रहा शेल्फ। और अच्छा हाँ एक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं ऐसे करके करूँ गाइस, ये उल्टा कर दें हम। हाँ एक दो तीन, और ये हो गए चार। और यहाँ पर अगर हम गाइस बेड रखें, अरे आ जा रे आ गया, एक दो कुछ इस टाइप से। आई डोंट नो तुम लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो एकदम ये बढ़िया लग रहा है यार। तो यहाँ पर गाइस अगर हमारे चार बेड कुछ यूँ करके, और इस एरिया को सही लग भी रहा, हाँ बल्कि सही तो लग रहा है गाइस। अच्छा यहाँ पर एक पेंटिंग लगा लेते हैं गाइस बड़ी सी स्टार्ट किस्म की, तो अपन लोग ले लेते हैं पेंटिंग, ये रही हमारी पेंटिंग। और गिलास का तो अभी कोई काम है नहीं तो अपन लोग, अरे बीच में लग यार पूरी। हाँ ये गाइस ये चेक करो पेंटिंग, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग लैम्प के ना होल्डर बना लेते हैं गाइस ऐसे करके,
बल्कि होल्ड ऑन गाइस, यहाँ पर कॉर्नर पे लगा लेते हैं कुछ, ये तीन और ये होंगे चार, चारों बेड के सामने एक, चारों बेड के सामने मतलब चार, और ये होगा गाइस इसका टेरेस, तो टेरेस को भी हम लोग थोड़ा सा ना कम कर देते हैं गाइस कुछ ऐसे करके। हाँ ये आवाज ना लुक गाइस, और गाइस ये है इसका टेरेस, तो टेरेस तो गाइस हमने ओपन ही रखा है। एक काम करते हैं गाइस, टेरेस को ना थोड़ा सा हम लोग आगे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं। ये ऐसे, और यहाँ पर अपन लोग नीचे एक लाइट लगा देते हैं, एक लाइट यहाँ और एक लाइट यहाँ, तो इससे क्या होगा हमें एक लाइट का स्टैंड मिल गया, मतलब लाइट लगाने का। तो ऊपर वाला रूम गाइस कुछ इस टाइप का है, और अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रास लगा दे तो गाइस, एक मिनट नीचे भी थोड़ा सा काम करते हैं, फिर बाद में ग्रास लगाएंगे, क्योंकि अभी ग्रास को लेना पड़ेगा, तो नीचे का भी हम करते हैं। तो नीचे का गाइस हम क्या बनाया है, नीचे नीचे काम करते हैं गाइस अपन लोग, सबसे पहले तो यहाँ पे पेंटिंग लगाते हैं गाइस। अरे इतनी बड़ी भी नहीं भाई, कुछ ज़्यादा ही बड़ी पेंटिंग है यार। नहीं भाई बाप रे, एक काम करते गाइस थोड़ा सा हम लोग स्पॉट्स देते हैं कुछ ऐसी जगह पे, जहाँ पे पेंटिंग सही तरीके से बन जाए। इधर तो यहाँ पर ये, अगर इसको यूं कर दूँ, अरे बाप रे बाप रे गाइस, फाइनली बड़ी मेहनत के बाद हमने पेंटिंग बनाई थी, और गाइस सारी हमने सिंगल सिंगल लगाई यार, क्या लग रही है यार। और गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि जो स्टेयर्स हैं इसके नीचे की भी हम लोग स्पेस को सेव किए, सेव करें मतलब, सेव किए कह रहा हूँ, सेव करें, और यहाँ पे हम लोग लगा दें एक लेंथन लगा दें सब पे, ताकि यहाँ पे भी एक रोशनी रहे और खूबसूरती रहे। काम करते हैं जो सबसे नीचे वाला, इसको हटा देते हैं और दो ही लगे रहने देते हैं ऐसे करके। और यहाँ पर गाइस अपन लोग बनाते हैं अपना मतलब मीडिया वॉल, बैठने की वॉल कुछ यूँ करके, और यहाँ से एक से बंद, और सेम यहाँ से बंद, और कुछ यहाँ से सोफ़ा बनाते हैं गाइस। ये वाला सोफ़ा थोड़ा हम एक स्टेप्स आगे, अरे बल्कि नहीं, एक स्टेप्स गाइस आगे से रखेंगे, पीछे से नहीं। अरे यार बाप रे, थोड़ा आगे आ जा। ये ऐसे करके कुछ यूँ करके, क्योंकि अब पीछे से रखते तो गाइस हमारी पेंटिंग जो थी वो छुप जाती, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो कुछ इस टाइप से हमने ये सोफ़ा रखा है, और इसकी गाइस अगर हम लोग टेबल रख दें, इसका नाम क्या था, प्रिस्मडाइन, प्रिस्मडाइन जो भी यार, सर्च कर लेते हैं गाइस। आ गया ये रहा प्रिस्मडाइन ब्लॉक, आ जा रे आ जा, ये रहा बाप रे, और अरे बाप रे ये आया भी नहीं रहा, आ जा। ये कुछ यूँ करके, तो गाइस ये समझ लो ये एक तरीके से इसकी टेबल हो गई ना बीच में, आई ये टेबल आ गई। और अगर टेबल के ऊपर गाइस अपन लोग एक लैंप रख दें, नहीं बल्कि लैंप आ नहीं रहा, तो कुछ इस टाइप का है गाइस ये नीचे का एरिया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन कर दें, यहाँ पे लीव वीव लगा दें, तो ये और भी ज़्यादा मस्त लगेगा यार। तो अपन लोग लेते हैं लीव्स, और बढ़िया क्वालिटी के लीव्स हों ये वाले यार, ये वाले मुझे बड़े बढ़िया लगते हैं, ऑसम। और कुछ यहाँ पर कॉर्नर पर लगा देते हैं चार ये, और इस कॉर्नर पर भी, हर कॉर्नर पर लगा देते हैं गाइस ये। अरे बाप रे, कुछ ज़्यादा ही आगे हो गए। ये ऐसे, और ठीक वैसे इस कॉर्नर पर लग जाएंगे। अरे लग जा, इस कॉर्नर पे भी, और अरे बाप रे शिट। कुछ यूं, तो गाइस ये वाला फ्लोर तो गाइस ऐसा टायर्ड लग रहा है, धांसू किस्म का। और अगर ऊपर वाला फ्लोर हम देखें तो ये बैठने का रूम, और नीचे टीवी लॉन्च का, इसे टीवी नहीं है लेकिन टीवी लॉन्च मैं उसको कह रहा हूँ, मतलब टीवी हमने लगाया नहीं गाइस उसमें। और अगर यहाँ पे भी गाइस अपन लोग, ये तो बालकनी है गाइस, तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ लगाएं, तो अरे हाँ गाइस एक दिमाग में भी आइडिया, अगर हम थोड़ा सा बुक शेल्फ लगा दें। लेकिन अरे यार, तो बुक शेल्फ गाइस अपन लगा देते हैं यहाँ पर कुछ यूं करके, तीन ये, और स्टोरेज बॉक्सेस भी हैं लेकिन वो यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है। अगर नीचे जाके हम देखें तो स्टोर, अरे बाप रे नीचे घुस जा, तो ये हम आ गए नीचे। और अगर स्टोरेज बॉक्सेस भी लगा देंगे क्योंकि थोड़ी सी जगह हो तो सही रहती है। तो चेस्ट ले लेते हैं अपन लोग, चेस्ट तो ये रहे चेस्ट, तो यहाँ पर कैसे लगा लेते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस के काम आएंगे कुछ यूँ करके। तो कैसे कुछ इस टाइप का है हमारा माइनक्राफ्ट के अंदर मतलब स्नो हाउस, मतलब स्नो के पास हाउस है, सर्वाइवल स्नो हाउस जो भी कहो। तो कैसे आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।